फ्रेंड्स, स्वागत आपको मेरे गेमिंग चैनल व्रूम गेमिंग में। तो कैसे आप सभी लोग, होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नो इंटरनेट प्रैंक होगा इसमें, तो बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में। आपने अगर पहले नहीं देखा नो इंटरनेट प्रैंक की वीडियो और किसी यूट्यूबर पे तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नो इंटरनेट प्रैंक पे एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको ये बता रहा कि हम कर रहे हैं नो इंटरनेट प्रैंक प्लस नूप प्रैंक। अ सिंपल नो इंटरनेट प्रैंक क्या होता है? नो इंटरनेट प्रैंक मतलब चार बंदे होते हैं हमारे क्लैश स्क्वाड में, वो क्लैश स्क्वाड में ही होते हैं नो इंटरनेट प्रैंक, ठीक है। क्लैश स्क्वाड में चार बंदे होते हैं और मतलब वो एकदम वहीं उसी जगह पर खड़े रहते हैं और कोई गन नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, हिलते भी नहीं है थोड़ा सा भी, बस वहीं खड़े रहते हैं जब तक बंदे नहीं आ जाते। जैसे ही बंदे आते हैं वो बंदे हमें मार देते हैं, बंदे मार देते हैं और उसके बाद वो अगले राउंड में भी आते हैं। उनको लगता है कि इनका इंटरनेट चले गया, ऐसे ही खड़े हुए हैं। फिर वो बंदे आते हैं वापस, फिर मार के जाते हैं, वो फिर से आते हैं। तीन राउंड ऐसे होते हैं कि तीनों राउंड में आते हैं, मारते हैं। फिर उसके बाद हमें लड़ना होता है, फिर उनको एकदम से सरप्राइज देना होता है कि आपने इंटरनेट नहीं गया हुआ था, ठीक है। फिर मार देंगे सबको, फिर भुया करना होता है, भुया कर दे तो सक्सेस है अपन नो इंटरनेट प्रैंक मिशन। तो देखो, एक राउंड तो हम हार ही गए हैं, आप देख ही लिया होगा। आप देखो, अब कोई गन नहीं खरीदने, ऐसे ही खड़े हुए हैं। अपने डोरेमोन भाई हैं, लेजेंड भाई हैं, मैं हूँ और अपने शैतान भाई, शैतान 2.0 है ना भाई। तो अब आएंगे बंदे, सामने वाले बंदे भी अच्छे थे, मतलब खेलने में बहुत अच्छे लग रहे थे, क्या मार के आए थे। एक बंदा तो बहुत मतलब मार रहा था, बंदे वाला मार रहा था कसम से। आधा भाई आधा जो भी आ रहा था, मतलब उसमें से कुछ लोग टीम अप कर रहे थे, मतलब तो और एक एक था बहुत गंदा इंसान जो मारे जा रहा था जो नहीं मारा था उनको तो पता चल गया था भाई नो इंटरनेट प्रैंक कर रहे हैं। तो मतलब क्या कहूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग जब कर रहा था तब मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, बाकी सबकी हो गई। लेजेंड भाई ने माइक नहीं ऑन किया, शैतान भाई ने भी नहीं ऑन किया, डोरेमोन आराम से बोले जा रहे एकदम। फिर उसके बाद हम देखो हमें किसने मारा, अपने कौन है, टी एस भाई मार रहा था सबसे ज़्यादा गंदे वाले। TS भाई को बहुत पहला बाद में लास्ट में एकदम मज़ा आ गया था खेलते खेलते। देखो दो राउंड तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, कोई भी गंदी नहीं, और अब बस बचे है तीसरा राउंड, उसके बाद तो हमें खेलना ही खेलना है, बहुत अच्छी तरीके से खेलना है। तो देखते हैं अपने डोरेमोन भाई पीछे क्या कर रहे थे। एडम की शक्ल जब जूम करके देखते हैं एकदम टट्टी ऐसी शक्ल हो जाती है भाई, बात तो एकदम सही कही है ना। और देखो आ जाओ भाई बंदे, अरे नहीं कहां, आओ भाई आओ, वेटिंग 2000 years लेटर आ गए। चलो बंदे देखो, ये देखो वो पीछे, देखो ये टीम अप कर रहे हैं, वो पीछे से मार रहे हैं TS भाई, काय का भाई दुश्मन। अब देखो तीन राउंड तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, अब हमें जीतने पड़ेंगे, उसके बाद कौन राउंड जीतना पड़ेगा भुया के लिए, ठीक है। अब ले लिया हमने AR-94 हेडशॉट के लिए भाई, AR-94 की ये वाली स्किन जो है ना भाई बहुत तगड़े हेडशॉट देती है कसम से भाई। ये ड्रैग पर क्लास स्क्वाड में ही मुझे अच्छी लगती है, ये जब हम मतलब रैंक के क्लासिक में लेते हैं तो इतनी अच्छी रेंज ही नहीं रहती शायद से, जितना मैंने देखा है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है। AR-94 क्लास स्क्वाड में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है, इसलिए मैं ये लेता हूँ लॉन्ग रेंज गन में ज़्यादातर। देखना देखते हैं कोई हेड आता है नहीं आता इस राउंड में। अपने डोरेमोन भाई तो पिलना शुरू भी कर दिए, तो नौकरी कर दिए ख़त्म, डोरेमोन का फर्स्ट किल, मज़ेदार बहुत हार्ड। चलो हम बंदे ही नहीं दिख रहे हमें तो भाई साहब, अच्छा ये देखो वो भी नॉक, देखो किल ही नहीं मिल रहे, वाह देखो क्या ओपी हेड, हल्का सा ट्रैक मारते हैं हेडशॉट आता है, लगा ना ट्रैक एकदम मस्त। अब बंदे सरप्राइज हो गए, बंदे को भी अच्छे से खेलना होगा, बंदे पहले अच्छे से नहीं खेल रहे थे। अब है दूसरा राउंड शुरू, मतलब तीन राउंड या पांचवा राउंड शुरू, तीन राउंड वो जीत चुके, एक राउंड हम जीत चुके, अब है पांचवा राउंड। ये देखो हाँ
देखो फिर से मैंने मतलब सब कुछ है अपने पास, वेस्ट, हेलमेट, AN-9 दो गोली वाली शॉटगन और ग्लूवल सब है। फिर हम आगे गए, मतलब मजा ही आएगा। क्या मार रहे थे ना बंदे को, डोरेमोन के भाई क्या किल पे किल करता था डोरेमोन अपने प्रो में, एकदम मजा आ रहा। डोरेमोन के लिए, मेरे लिए, लेजेंड भाई के लिए, शैतान भाई के लिए और पूरे VR आर्मी के लिए यानी व्रूम गेमिंग आर्मी के लिए मतलब एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो आगे, मैंने डैमेज देने की कोशिश की थी पर गया नहीं डैमेज। चलो चलो, मैं तो पीछे बैठ के देख रहा था कोई बंदा दिखे तो मैं मारूं। फिर मैं निकला बाहर, मैंने कहा देखते हैं बंदे कायम, क्योंकि दो बंदे तो ऑलरेडी नॉक करके बैठे हुए हैं, शैतान डोरेमोन वगैरह वगैरह, और देखता हूँ बंदे मिल जाए। ये बंदे मिल गए, यो लो, इसको भी हेड नहीं गया, मार दिया ना, बस काफ़ी है ब्रो। चलो दो किल आए हैं मेरे अभी तक, शायद किल भी कर जाने तीनों मिलकर, हमें तो किल ही नहीं करने दे रहे। चलो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है हम ये राउंड जीत पाएंगे, जल्दी बोलिए। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको पता है कि क्या है, ये है अपना वॉच टाइम लास्ट 7 डेज में अपने यूट्यूब चैनल का। वॉच टाइम क्या होता है, मतलब लोग जितनी देर हमारे वीडियोस को देखते हैं जितने मिनट्स में, तो देख लो सब्सक्राइब्ड जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से 51.8% आया है और जो नॉन सब्सक्राइब्ड है उनकी तरफ से 48.2% ओनली। यार प्लीज़ करो ना यार थोड़ा, जो मतलब जो भी लोग वीडियो देखते हैं मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब 50-50 समझ लो, 50% लोग वो वीडियो देखते हैं जो मतलब सब्सक्राइब किए होते चैनल, 50% लोग वो देखते हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया हुआ है। यार यार कुछ तो करो ना यार, प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब कर दो, क्या चल जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। और यार प्लीज़ लाइक तो पक्का कर देना, क्योंकि 1 लाइक इज इक्वल टू 1 मोटिवेशन। और जब भी आप बोलोगे कमेंट में कि आप इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, मैं वैसे ही वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने गेम प्ले के साथ। अब देखो मैं यहाँ पर देखो एक ही बंदा बचा है, मैंने कहा चलो मैं ही मारूंगा, अब तो जो मर्जी हो जाए भाई। मेरी हेल्थ एकदम मजे में थी, शायद से मैं नॉक हो जाऊंगा यहाँ पर। हाँ नॉक हो गया ना, एकदम जल्दी में था, हेल्थ कम थी इतनी, मैं इतना चला चला के बोलता हूँ भाई बचाओ 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 बचाओ, हम दोनों को खा गया बंदा। ओ भाई लेजेंड भाई तो ख़त्म हो गए अपने, अब बचा लास्ट राउंड जिसमें बुरे करना ज़रूरी है भाई साहब। ये राउंड अगर हार गए ना बेस्ती हो जाएगी गंदे वाली। और देखते हैं आगे, और कैसे हाँ प्लीज़ बोल देना कमेंट में जो भी आपके मन में ना, बोल देना कि कौन से टॉपिक में वीडियो लाऊं या क्या चाहिए आपको, सब बोल देना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा वैसे वीडियो लाने की। चलो अब मैंने मतलब अब बहुत पैसा है मेरे पास, जो चाहिए ले लो मेरी तरफ से, है ना। अब मैं हाथ में वो था स्मोक ग्रेनेड, ग्लोबल ग्रेनेड थी ना, हाँ ले ली, देखो एकदम समझदार हूँ मैं। चलो चलो चलो, मैं कितना नूब लग रहा हूँ एडम में। तो अब हम जाएंगे अपनी एल शेप में, देखते हैं। मैंने अपने लेजेंड भाई को पहले बोल दिया था उधर से बंदे आ रहे हैं, मैंने देख लिया था वो, देखो बंदे, मैंने लेजेंड भाई को बोल दिया था, अरे लेजेंड भाई देख ध्यान से रहना उधर बंदे हैं। देखो अब उनकी फाइट भी शुरू हो गई मस्त वाली, अब आगे हम बढ़ते हैं क्या होता है। मैं इधर बैठ के वेट कर रहा था कि बंदे इधर आएंगे, अब मुझे उधर जाना पड़ा क्योंकि बंदे इधर आए नहीं थे, मुझे मारने थे यार, किल बढ़ाने थे मुझे, तो मैं गया, मैं पड़ गई गंदे वाले, मैं मुक्का चला रहा हूँ, वाह किल लगा था भाई जी, मेरी वैब दे रहा था मारे, मतलब दो पार्टनर मर गए, अब बचा उनके दो हमारे 3, क्योंकि मतलब ये वाह क्या ग्रेनेड से नॉक मारा, वाह क्या किल हो रहे थे यहाँ पर, यहाँ पर बंदा बैठा हुआ तो मुझे पता ही नहीं था, वाह। और ये किल खत्म, भैया एकदम मज़ेदार वाला भैया। सो गाइस मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कैसा लगा मेरा मजाक?